जो पहचान है वो हमारी रेसलिंग की वजह से ही है, और लोग पहले इतना नहीं जानते थे दंग मूवी के आने से पहले, उससे पहले हम जो खेल से जो जुड़े लोग थे सिर्फ वही जानते। लेकिन दंगल मूवी से एक तो हमें और ज़्यादा पहचान मिली, और दूसरी ये कि मेरे माँ बाप जिन्होंने इतनी मेहनत इतना स्ट्रगल करके हमें यहाँ पहुँचाया था, उनको एक पहचान मिली है, क्योंकि उनको लोग कोई भी लोग नहीं जानते थे, तो उनको एक नई पहचान मिली है। और फिर अब तो हर गली मोहल्ले में चप्पे चप्पे में लोग जानने सब लगे। जान रहे हैं। हमने जब रेसलिंग स्टार्ट की थी तो हमने मिट्टी से स्टार्ट की थी, और जबकि हमारी रेसलिंग जो एक्चुअल जो ऑफिशियली जो रेसलिंग होती थी वो हमारी मैट के ऊपर होती थी, गद्दे के ऊपर। तो वो सबसे ज़्यादा स्ट्रगल रहा, क्योंकि मिट्टी से मैट के ऊपर बहुत डिफरेंट बहुत होता है, डिफरेंस है। बहुत हाँ डिफरेंट। तो वो सबसे ज़्यादा स्ट्रगल रहा है, और बाकी स्ट्रगल तो माँ बाप ने झेले हैं, क्योंकि हमें तो सिर्फ बस मेहनत करने का ही बोला गया था। पहले तो लोग एक कन्या भ्रूण हत्या और बहुत ही पिछड़ा हुआ हरियाणा को मानते थे, एक सोच जो थी, तो वो अब सोच बहुत ज़्यादा चेंज हो गई बदल है। गया। हाँ, और वो भी खेलों की वजह से। हाँ तो अब खेलों में सबसे आगे नाम मुझे लगता है हरियाणा का ही है, हाँ तो वहाँ से ही जितने खिलाड़ी आगे बढ़ रहे हैं तो उनको एक पुश करने के लिए, यानी कि उनको एक अच्छा प्लेटफार्म मिलना चाहिए, जो कि हम चाहते हैं कि एक एकेडमी खोले, क्योंकि हरियाणा में ऐसी कोई एकेडमी नहीं है रेसलिंग की, क्योंकि बहुत से अभी पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके आते हैं कि रेसलिंग सिखाओ। तो हमारी एक सोच है कि हम एकेडमी खोले भविष्य में, और अगर कोई सपोर्ट करता है एकेडमी खोलने के लिए तो उनका बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। लड़कियों को प्रोत्साहन देने के लिए हर टाइम हम लड़कियों के लिए सपोर्ट और उनके यानी कि उनके लिए अगर कुछ भी अगर हमारे से हो पाता है हम जरूर करेंगे। वुमेन्स किसी भी फील्ड में हो आगे जाएंगे तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि आगे आती हैं वुमेन्स या गर्ल्स, जितने भी ज़्यादा आगे आएंगे हमारे लिए वो ही सबसे बड़ी जीत है, और हम औरतों की जीत है, वुमन पावर की जीत है।